ए, आंखों से दिखाई नहीं देता, पता नहीं ये टर्निंग पॉइंट है, हाँ? स्पीड को लिमिट में रखना चाहिए, ये रोड तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी बॉस। कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कुछ बोलो तो मुंह को ऊ ऐसे बनाकर सॉरी कहने चले आते हैं। लड़कियों का यही नखरा है, कोई कुछ बोलता नहीं है तो कुछ भी करते हैं। ए मिस्टर, इज्जत से बात करो। ए दूंगा ना, एक खींच के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। 20 साल की उम्र में 20,000 की जॉब लगती बाइक ऐसे चलती है जैसे रोड उनके बाप की हो। जब लेडीज स्कूटी लेकर निकलती है ना तो 90% इंडिया में ट्रैफिक जाम की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्लच नहीं मालूम, ब्रेक का पता नहीं, स्टैंड में नहीं लगा सकती और किक भी नहीं मार सकती, फिर भी बाइक लेकर बाहर निकलती और फुरफुराती रहती है। ए ए चुप। मैंने कहा था ना, ये इसका फिक्स डाल आ गया। ये कैसी बुरी आदत है, घर में ऐसा कोई नहीं करता। पगली कहीं की। ए चुप। ए क्या, दूंगी एक। ये तेरा दोष नहीं, तेरे डैडी के लाड की वजह से ये सब हो रहा है। ए ए चुप। वो लड़का आज रात फ्लाइट से यूएसए जा रहा है, वो शाम को आकर मिलना चाहता है, तो उसे बुला लूं क्या? ठीक है, बुला लीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी, आधे घंटे में ये सेट हो जाएगी। हेलो कुंदना, मेरी लाडली हो ना तुम, बहुत अच्छी बच्ची हो ना तुम, मम्मी की बात नहीं सुनोगी, अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तेरी शादी हुई तो तुम यूएस चली जाओगी, मेरा सारा खानदान यूएस में है और एक मैं हूँ, तेरे डैडी के साथ यहाँ शादी करके रह गई। लाइफ में मुझे एक बार अमेरिका देखने की इच्छा है, जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, प्लीज बिटिया। कुछ नहीं बेटा, जब वो लड़का आएगा जस्ट तुम शांत बैठ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, मेरी अच्छी बिटिया है ना। ए हाय, हाउ आर यू? ए इतनी नर्वस क्यों फील कर रही हो, फील फ्री। मेरी बेटी जरा शर्मीली है। आई लाइक इट। आप चाय पियेंगे या कॉफी? मुझे इससे बात करनी है। ओके। अच्छा ये बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? ये ना बहुत अच्छा खाना बना लेती है बेटा। घर में खाना बनाने वाले को रख सकते हैं। घर का काम भी अच्छे ढंग से कर लेती है। इसके लिए हम नौकर को रख सकते हैं। इसको हमने संगीत सिखाया है, ये अच्छे से गा भी लेती है। आपने बातें करना नहीं सिखाया। बिस्किट्स फ्रूट्स रखे हैं, और आपको कुछ चाहिए? मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। ओके कुंदना, आई विल कम टू द पॉइंट। देखो, $10,000 मंथली सैलरी है मेरी, अगर तुम भी चाहो तो जॉब कर सकती हो, सो काम करने वाली और बर्तन घिसने वालों की जरूरत नहीं मुझे, समझी ना तुम? अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो $7,000 सेव कर सकते हैं। अपनी शादी के 2 सालों के बाद हम बच्चे का प्लान करेंगे, इससे पहले मैं यूरोप ट्रिप में जाकर आता हूँ, मेरी सेविंग भी डबल हो जाएगी, ये सभी चाइल्ड के काम आएगा, सो एंड ऑफ द डे खुद का बंगला, खुद की कार, खुद का बच्चा, जितना चाहिए उतना बैंक बैलेंस, यही मेरी लाइफ स्टाइल है, क्या कहती हो? ए क्या लेडीज ड्राइविंग नहीं कर सकती? व्हाट? लेडीज ड्राइविंग नहीं कर सकती क्या? क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। फिर वो क्यों कह रहा था कि 90% एक्सीडेंट लेडीज ड्राइविंग की वजह से ही होते हैं? वो कौन? मेरा पति। पति? वो नहीं भाई। भाई? हाँ भाई। क्या लेडीज ड्राइविंग नहीं कर सकती? तुम जेंट्स की वजह से ही 100% एक्सीडेंट्स होते हैं। ए? क्यों जेंट्स ही ड्राइविंग कर सकते हैं क्या? एक बार लेडीज बाइक पर चढ़ गई ना तो जेंट्स की छुट्टी कर सकती है, समझे? नो, आई कांट टॉलरेट दिस। बेटा बेटा, आज वो होली है ना, इसीलिए इसने थोड़ी सी पी ली है भांग। मेरी बेटी ना बहुत मासूम है बेटा, सच कह रही हूँ। आप लोग अगर कुछ देर और बैठकर बात करते तो अच्छा होता। सॉरी अंकल, अगर पत्नी पर इन्वेस्ट किया तो वो मेरी होगी, बहन पर इन्वेस्ट किया तो वो जीजा की होगी, इससे अच्छा मैं खुद के लिए कमाऊँ, जीजा के लिए नहीं। बाय। Hey!
वही घर है, सिंगल सर। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वो ही रहता है। कॉटन सेंटर में उसकी कपड़े की दुकान है। एग्जैक्टली घर से 9 बजे निकलता है। उसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उसे मारा भी तो कोई आगे नहीं आएगा। बोले अपनी बाइक निकाल रहा है। अच्छे से बैठ, रेडी हो जा, रेडी हो जा। ऐसा मारेंगे ना कि याद रखेगा। उसके बाजू से बाइक लूंगी, तुम जोर से लात मारना उसे। ए, नहीं नहीं, हाँ उसमें बहुत रिस्क है। एक काम करती हूँ, ओवरटेक करती हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, फेस टू फेस उसके साथ आई कांटेक्ट करती हूँ और ऐसी गाली दूंगी कि वो वही मर जाए। चल दोनों स्टार्ट करते हैं। लड़कियों को डर आता है, अगर लड़कियों ने गाली दी ना तो उसे सुनकर सुसाइड कर लेगा। चलो चलो इधर आओ। थोड़ा अर्जेंट है सर। ये ज्यादा अर्जेंट है, चलो आओ। ओके सर। बोला ना, पहले बात करो। इधर ही बात कर लीजिए ना। अरे आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं सर। कहा ना पहले सर से बात कर लो, उसके बाद आगे दे दो। इधर ही हम लोग बात करते हैं सर। अरे आप सर आइए तो सही। कैसी है? ये उसका मोबाइल नंबर है, रात को कॉल कीजिए, समझ गए ना? बाय बाय। उसका फोन नंबर दिया है, अगर उसे फोन किया तो ये मरेगा। तू ऐसे क्यों देख रही है? मुझे कुछ डाउट लग रहा है। हाँ यार, पता है मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। डैडी, आपकी लव मैरिज है ना? आपने मम्मी को फॉलो किया था या मम्मी ने आपको फॉलो किया था? ये कैसा सवाल है? बोलिए ना डैडी, प्लीज। मैंने ही फॉलो किया था बेटा। चाचा जी की भी लव मैरिज है ना? अच्छा पता है, पहले तेरे चाचा ने फॉलो किया था लेकिन तेरी चाची ने मना कर दिया था। तेरी चाची ने बहुत सताया लेकिन चाचा ने पीछा नहीं छोड़ा। आप सबकी लव स्टोरी में आप लोगों ने ही फॉलो किया था, लेकिन मेरी स्टोरी में तो मैं उसे फॉलो क्यों कर रही हूँ? देखा ना आपने, उस लड़के को भाई कहकर बुलाएगी तभी मुझे शक हो गया था। ये कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ाई करती है। मेरी एक बात नहीं मानी आपने, बेटी को बेटे जैसा पाला आपने, तो ऐसा ही होगा ना? ये उस लड़के के पीछे पड़ी है, बेशरम कही की। रीमा, मुझे क्यों चुप करवाते हैं? इसे चुप कीजिए। ये जैसे जैसे आपसे कुछ कहती है आप वैसा ही करते जाते हैं। बस करो ना। अच्छा बेटा कौन है वो? नहीं पता। नाम क्या है? नहीं पता, कॉलोनी में रहता है। तो वो करता क्या है? हाय हाय, आओ अंदर आओ। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, अच्छे हो ना? एक्सेल साइज की शर्ट चाहिए। जी दिखाता हूँ, ये देखिए। पैक कर दो। ये लो। पैसे काउंटर में दे दीजिए साहब। पैसा भर के बिल लेकर आओ। अरे वाह साहब, आप यहाँ? नमस्ते साहब। कैसे हो, ठीक हो ना भाई? आपकी दुआ से ठीक ही हूँ। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी। नमस्ते बहन जी। त्योहार आने वाला है ना, दामाद जी भी आने वाले हैं, इसीलिए कपड़ों की शॉपिंग कर रहा हूँ। दामाद के लिए मेरी बेटी ही कपड़े पसंद करती है। इस जनरेशन का टेस्ट ही कुछ अलग है। मैंने सुना था आप अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैंने आपकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। कमिश्नर का छोटा बेटा है और खुद का भी उसका बिजनेस है, दोनों हाथों से खूब पैसे कमाता है। आपके लेवल का रिश्ता है साहब, आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। क्या सोच रहे हैं? मेरी छोटी बेटी मर चुकी है।
परेशान है, जरा सी हेल्प तो कर सकता है ना, कॉमन सेंस नहीं है? ए, हाँ? क्या प्रॉब्लम है? ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है बैठो। हाँ? बैठो। बिल्कुल हीरो है। क्या कहा? स्कूटी। ओके ओके चलो निकलो। क्यों रे, अब तो बाइक पूरी पिकअप लेगी ना। वो तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है ना। मुझे क्या, मैं तो बराबर ही चलाता हूँ। हाँ पता है, इसलिए तेरी बाइक तेरा हाथ छोड़कर किसी और के पास जाती नहीं। चल जा। क्या बे शिवा और यहाँ? नाइट ड्यूटी है इसकी, इसलिए सोया पड़ा है। क्या बे रात को लगता है खास ड्यूटी करता है। ए, वो ड्यूटी मैंने कब की छोड़ दी है। ज्यादा बकबक किया ना तो इस रॉड से तेरा थोबड़ा तोड़ डालूंगा। ये मेरी रॉड है। इस चेट्टी की दुकान पर सारी की सारी रॉड मेरी ही है। ए, दूंगा, दूंगा, खींच कर। अरे देख देख उधर देख। ए, ये तो वरुण है। ये कौन है जो ऐसी गाड़ी को धक्का मार रहा है यार? मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ यार। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय हाय। इसकी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है, जरा देखना। यहाँ बहुत सारी बाइक की प्रॉब्लम है, पहले वो सब ठीक करनी है। इसे बोलो छोड़ के जाए, बना दूंगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा काम है, बाद में मिलते हैं। और मैं? हाँ? ऑटो से चली जाओ। ए, नाम क्या है तुम्हारा? वरुण। हाँ? अब तुम्हारा नाम? कुंदना। तुम लोग कौन हो? हम सब उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। ओह, हाय। सो आर यू सीरियस अबाउट हिम? मेबी। हमें नहीं पता कि तुम्हें उसके प्यार की जरूरत है या नहीं, लेकिन उसको तुम्हारे प्यार की सख्त जरूरत है। डोंट मिस हिम, क्योंकि उसे सिर्फ प्यार करना ही आता है। तुम्हारा बहुत ही सुपर टेस्ट है, लेकिन मेरा दोस्त जो है ना वो थोड़ा टिपिकल केस है। कोई नया तरीका इस्तेमाल करो, शायद पट जाए। हाँ। अरे भाई, अरे एक जरा चाय पिलाना। तुम्हारा दोस्त सिर्फ टिपिकल ही नहीं, मेंटल भी है, इसलिए मैं खुद मेंटल होकर ट्राई कर रही हूँ। आरती लो ले बेटा। बहन जी। हाँ? आरती ले लीजिए। मनोवांछित फल प्राप्तेस्तु। वो लड़की कौन है? ये बैंक मैनेजर की बेटी है बहन जी। ओ। चाहिए शर्ट दिखाना। किसके लिए? क्यों, जिसके लिए चाहिए नहीं कहूंगी तब तक दिखाओगे नहीं? साइज का पता नहीं चलेगा तो कैसे निकालेंगे? साइज तो उसका साइज क्या होगा? उसी के साइज की कोई अच्छी सी शर्ट दिखाओ। हमारी दुकान में सब आपको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। ये कैसी है? सिर्फ 350 रुपए। कुछ मेरी रेंज की दिखाओ ना। मेरा रेंज मतलब मेरा रेंज या आपका रेंज? ज्यादा मत बोलो, ठीक है? जो काम बोला है वही करो। हाँ। ये देखिए।
इसे साइड में रखो। ओके। अब इसे मैचिंग कोई जीन्स दिखा दो। साइज कितना है? साइज सर का साइज 32 है। ये ओके है। जी। और जेंट्स क्या पहनते हैं? हाँ, समझ गया। मैचिंग चाहिए। अभी तुम्हें क्या समझाया था? एक्स्ट्रा मत बोलो। गुड। पैक करो। डिस्काउंट नहीं है क्या? क्या करें, हम ही फिक्स हो गए हैं। बिल बना दो। ए, हेलो। ए, क्या है? क्या है ये? गिफ्ट। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद होना चाहिए ना। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता, ऐसा कोई फूल ही कह सकता है। इससे पहले तुमसे किसी फूल ने कहा था कि तुम खूबसूरत हो? क्या? तुम खूबसूरत नहीं हो। ये पकड़ो और जाओ। लेकिन उसकी नजर में तुम्हारा फेस खूबसूरत नहीं है। फिर रुक, लड़की ऐसी होती है और लड़का ऐसा होता है, बस ऐसे ही होता है। But according to the law of male magnetism, लड़के दो टाइप के होते हैं। टाइप वन, फिगर चाहे जैसा भी हो उसका चेहरा आकर्षक होना चाहिए। टाइप टू, चेहरा चाहे जैसा भी हो फिगर सिक्स पैक वाला होना चाहिए। आई थिंक ये टाइप टू वाला है। हाँ। मेरे ये क्या कर रही है? अरे मुझे देखने के बाद कोई भी लड़का कमेंट किए बिना रह सकता है क्या? हम लोग है ना। हे पोपट, ये मर्दों की बात करिए। तू बैठ जा। मतलब तुम डाल सकती हो क्या? तू ज्यादा बोल मत वरना तुझे ही कट कर दूंगी। क्या करोगी? जी बेटा। हाँ, ये क्लैरिटी अच्छी है। चुप रहो कुंदना, तुम्हारी बात सही है लेकिन। लेकिन क्या? लड़के को टेम्प्ट करने के लिए छुपाने वाली चीज छुपानी चाहिए, दिखाने वाली चीज दिखानी चाहिए। अब मैं समझ गई। अरे रॉकी, स्टॉक आया क्या? देख लो मेरा फेस, मेरा फिगर। क्या तुम्हें मैं अभी खूबसूरत नहीं दिखती हूँ? ए, चलो हटो। मैं नहीं हटूंगी। मुझे अभी इसी जगह पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। नहीं। ए, मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ इसलिए इतना घमंड दिखा रहा है ना? लड़कियों की आबादी कम हो रही है और तुम उनसे दूर जा रहे हो। तुम्हें जिंदगी भर मेरे जैसी कोई लड़की नहीं मिलेगी, समझे? बेवकूफ नहीं का। लड़के दो तरह के होते हैं ना, फिगर कैसा भी हो फेस आकर्षक होना चाहिए, फेस कैसा भी हो पर फिगर अच्छा होना चाहिए। मेरा फेस और फिगर दोनों ही अच्छा है ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तीसरे तरीके के भी लड़के होते हैं जो मन का भाव देखते हैं। मेरे अंदर कोई खोट है क्या? I hate you. I hate you. I hate you. Thank you.
लाइफ में कुछ बातें भूलनी नहीं चाहिए और कुछ बातें याद नहीं रखनी चाहिए। मैं बाप हूं उसका, आखिर जी रहा हूं ना। मेरी बात सुन, छोड़ दे सब। उसे छोड़ने के लिए वो कोई जान नहीं है, वो प्यार है। तुम्हारा नाम कुंदना है ना? जी आंटी। जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही हो तुम। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब तुम मॉडर्न ड्रेस में दिखी थी, मुझे पसंद नहीं आया। बाद में तुम्हारा गाना सुनकर मैं तुम्हारी बड़ी फैन हो गई। पर कुंदना आज क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी पर्सनल बातें पूछना नहीं चाहती हूँ मैं। वैसे अगर तुम बताना चाहोगी तो मैं जरूर सुनूंगी, अगर ना बताओगी तो मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। कुछ नहीं आंटी, छोटा सा डिस्टर्बेंस है, मन ठीक नहीं है। दुखी मत हो कुंदना, जितना खूबसूरत तुम्हारा दिल है उतना ही खुश तुम रहोगी। क्या कहा आपने, मेरा दिल खूबसूरत है? आपको कैसे पता चला? आपको कुछ नजर आया? पगली कही की, खूबसूरत दिल को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, खूबसूरत मन की जरूरत होती है। हाँ आंटी, उसके पास मन ही तो नहीं है। वो कौन है? वो एक स्टूपिड है आंटी, अपने आप को होशियार समझता है। अपने आप को होशियार समझता है, स्टाइल मारता है। बात तो वही है ना आंटी, कोई लड़का ही लड़की को चुन सकता है क्या? ऐसा क्यों, लड़की लड़के को नहीं चुन सकती? अगर पसंद करती है तो वो लड़की चीप हो गई क्या? लेकिन है कौन वो शैतान? है कोई लड़का? चलो जल्दी। वो देखो मेरा बेटा आ गया। इस छोकरी को जानती हो? उस छोकरी को नहीं, उस लड़की को कहो। वही, तुम उसे जानती हो क्या? क्यों, तुम उसे जानते हो? वो एक पागल लड़की है माँ। चलो। इतना खूबसूरत दिल वाली खूबसूरत लड़की मिलना कितना मुश्किल है। कुंदना बहुत अच्छी लड़की है। राधिका आंटी के घर के बाजू में रहती है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर तू खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं रह सकती, और खुशी से मर भी नहीं सकती। माँ कैसी बातें कर रही हो? माँ हूँ ना, जब भी मैं तुम्हें दुखी देखती हूँ तो मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। माँ प्लीज। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखने के लिए ही जिंदा हूँ। सोचा
तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें क्यों पसंद आया मुझे नहीं पता। तुमने आई लव यू कहा, पीछा किया, और मुझे आई हेट यू भी कहा। क्लैरिटी भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। तुम मुझसे हेट करती हो या लव करती हो, एक ही फिक्स बताओ। ए, ऐसे जा क्यों रहे हो? तुमने पूछा लव करती हूँ या हेट करती हूँ, तो मेरा जवाब तो सुनते जाओ। हेट से ही लव पैदा होता है और लव से हेट होता है, सो दोनों एक ही हुआ ना। मुझे तो क्लैरिटी है, तुम्हें कोई क्लैरिटी है या नहीं? बताओ बताओ। ठीक है, तो तुम एक काम करो, मुझे भी मारो, दोनों बराबर हो जाएगा। वाओ, ये सब मेरे लिए? नहीं, तुम्हारी बगल में जो सीट है उसके लिए। शट अप। ये क्या, सडनली हैदराबाद का ट्रिप किस लिए? वहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? बीटेक करने वाले इंटरव्यू नहीं दे सकते? बिना इंटरव्यू के कोई जॉब नहीं मिलेगी। जॉब किस लिए? क्यों? तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब देने वाले हो? हाँ? हे, जस्ट किडिंग यार। टू नाइट्स एंड वन डे। पैकेज खत्म होते ही परसों सुबह मैं यहाँ रहूंगी, ठीक है ना? Two nights and one day, 36 hours, 2,160 minutes, 1,29,600 seconds. हर सेकंड मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी। हर सेकंड मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बाजू की सीट वाले के लिए खरीदा। कहा
कहाँ चले गए थे तुम? कितनी टेंशन हो गई थी मुझे, पता है तुम्हें? ऐसे कोई जाता है बिना मुझे बताए? कहाँ चले गए थे? हाँ बता कर तो जाना चाहिए था ना, बताओ ना। तुम्हारे लिए चार मीनार से ये चूड़िया ले आया हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नमस्ते मैडम, मेरा नाम सूर्या, उसका नाम स्वामी, इसका नाम चारू और इसका नाम है शिखा। नमस्ते। क्या हुआ है इसे? तुम्हें मुझे आई है ना, मतलब तुम्हें मूच वाला फ्रेंड मिला है ना, इसीलिए हम लोगों को नहीं पहचानती, इसीलिए मैंने परिचय करवा दिया। तुम उसकी मूच से क्यों जलते हो, खुद मूच उगा लो ना। मुझे आनी भी तो चाहिए। कुछ नहीं, ऐसा लगता है तुम शायद हमें भूल गई हो, इसलिए फील हो रहा है। मुझे लगता है तुम हम लोगों से दूर जा रही हो। ओके ओके ओके, आज का पूरा दिन तुम लोगों के साथ रहूंगी, ठीक है? भाभी लेट्स गो। किधर जा रहे हो? वो देखो मूछ वाला बाइक लेकर आ रहा है। हाय हाय हाय। क्यों सिनेमा देखने जा रहे हो? नहीं बॉस, थिएटर के अंदर चेयर गिनने जा रहे हैं। तुम मुझे पसंद नहीं आए। एक्चुअली आज मैंने दूसरे प्रोग्राम का प्लान किया है। ओके लेट्स गो। तेरी टिकट? मैं बाद में मिलती हूँ, सॉरी आई एम गोइंग, बाय। ओके ए चारू तू स्कूटी ले जा, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी, ठीक है? लेट्स गो। पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी बोली थी, देखो उसे तो इसने पूरी तरह कब्जे में कर लिया है। इन दोनों का नया नया प्यार है ना, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। इसका शीर्षक है इंतजार कर रहा है, आने वाली बारिश की पहली बूंद का इंतजार कर रहा है किसान, भाव कम होने का इंतजार कर रहा है इंसान, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है शांति के लिए और मन इंतजार कर रहा है परम शांति के लिए, ठीक वैसे ही आप सभी लोग मेरी कविता का इंतजार करते हैं। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, इसकी कविता हमें दुखी कर रही है। हिंदी भाषा की कविता के लिए आप लोग इंतजार करें। बोरिंग लग रहा हो तो इसमें भी एक अच्छा किक है, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटली सुनो तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। उधर देखो और लगता है पार्क और सिनेमा कम पड़ गए हैं, जो इधर चले आए बेशरम लोग। उन लोगों को बैठने के लिए खाली सीट चाहिए और हमें अपनी सीटों को भरनी है, अपने प्रोग्राम में कम से कम यूथ आए, इसीलिए खुश हो जाओ पंडित जी। मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मेरा दिल बार बार धड़क रहा है। डिसअपॉइंट हो रही हूँ। पर क्यों? तुम्हारे दोस्तों के पास से आ रही हो ना? तुम हो ना? अगर तुम साथ हो तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ ना हो तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हाय। हाय। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? I'm so happy, very excited. क्यों? I got a job in USA. 6 months Hyderabad, 6 months USA. 4 lakh का पैकेज है। तुम्हें याद है ना? उस दिन तुम मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से ये जॉब मिली है। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। I'm so happy. तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? मुझे पसंद नहीं है। मतलब? यहीं पर कोई जॉब नहीं कर सकती हो क्या? Hey, इस गांव में कौन सा जॉब मिलेगा? तुम्हारी शॉप में सेल्स गर्ल का जॉब करूं क्या? सच में मुझे तुम्हारा जाना पसंद नहीं है। तो उस दिन मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें हर्ट हो जाता इसलिए। अब मैं हर्ट नहीं हो रही हूँ क्या? उस दिन मेरे लिए इतना फील कर रहे थे, मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकते, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन ही नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी मुझे पल पल हर सेकंड लाइफ टाइम के लिए जरूरत है। कम ऑन वरुण, दुनिया इतनी छोटी हो गई है, आज इंटरनेट 3G फोन्स, इनसे दूरी का पता ही नहीं चलता। दूर रहना अलग बात है, पास रहना भी अलग बात है, और साथ में रहना तो उससे भी अलग बात होती है। SMS और चैटिंग तो घंटे में हम एक बार तो करते ही हैं, बाद में दिन में एक हो जाता है, धीरे धीरे तो वो भी फेड आउट हो जाता है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ये ट्रू लवर्स के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, असल में लव मैरिजेस क्यों फेल हो जाते हैं पता है तुम्हें? जब प्यार में होते हैं तो दिन में 2-3 घंटे साथ में रहते हैं, उस समय किसी बात का नो में जॉब नहीं होता, सब यस ही होता है। आइसक्रीम कहा तो आइसक्रीम, सिनेमा कहा तो सिनेमा, अपनी पूरी हैप्पी लाइफ सामने रख देते हैं, और शादी होने के बाद पता चलता है कि दोनों तो एडजस्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए
मैं तुम्हारे साथ जीवन का हर पल बिताना चाहता हूँ। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। एक बार गैप आ जाए तो बस सारा काम तमाम हो जाता है। हरण, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे का कोई सवाल ही नहीं है कुंदना। इनफ वरुण, इनफ। मुझे रोना आ रहा है। लाइफ टाइम रोने से तो अच्छा है, अभी तुम जितना चाहे उतना रो लो। मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ ना? हाँ, कन्विंस कर लो। नहीं हुई तो? लव से ज्यादा तुम्हें तुम्हारा जॉब इम्पोर्टेंट है तो आगे तुम्हारी मर्जी। पर तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। मैं जानता हूं ये बात, तुम्हें सिंसियरली प्यार करने वाले की कोई जरूरत नहीं है। लड़का तुझे पसंद था ना? हमें भी पसंद आया। इतनी दूर आने के बाद ठुकराना, ये कोई बच्चों का खेल समझी तू? डैडी प्लीज, आप तो मम्मी को समझाइए ना। देखिए जी, अभी आप इसका सपोर्ट करेंगे तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बोलने के तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन वो सच तो बोल रही है। क्या डैडी, आप भी? देखो बेटा, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही सोचती। वरुण को तुमने पसंद किया, उसे तुम्हारा यूएस जाना पसंद नहीं है तो दूसरा जॉब ले लो। अरे अरे, प्रॉब्लम जॉब का नहीं है डैडी। करेक्ट है, प्रॉब्लम जॉब का नहीं, तू है प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम वो है, ही इज टू पोसेसिव। मुझे तो शक होता है कि उसके अंदर प्यार है ही नहीं। शायद वो प्यार के लायक ही नहीं है, उसके अंदर शक और भय है। ओके ओके बेटा, वरुण से एक बार ओपनली बात तो करो। मुझे पता है उसे ओपनली बात करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर सच में यही प्रॉब्लम है तो फिर तेरा डिसीजन सही है। वो कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करता है, वो क्रिएट नहीं करता। आप कौन है? माफी चाहता हूँ, आपकी परमिशन के बिना अंदर चला आया, माफ कीजिएगा। मेरा नाम राव है, प्रीति का फादर। प्रीति कौन है? वरुण जिससे प्यार करता था, जिस वरुण को तुम जानती हो, वो अब ऐसा क्यों है? उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में तुम नहीं जानती। मैं पहले उससे नफरत करता था, पर बाद में उसे पसंद करने लगा। लेकिन तुमने पहले प्यार किया और अब नफरत कर रही हो। लेकिन जब वो किसी से प्यार करता है तो उसे नफरत कभी नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ प्यार करना जानता है। आकर बैठ जा। क्यों, हर बार तो तू बीच में बैठती है ना? पर आज से मैं इस तरफ बैठूंगी। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो भैया चलिए। हाँ जी। ये देख, लास्ट टाइम तूने कहा था ना कि मेरी इयररिंग तुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए दिल्ली से मेरी कजन आ रही थी तो मैंने तेरे लिए मंगवाया। ये ले। मेरी वो कही बात तुझे अब तक याद है? थैंक्स, इट्स ओके। भैया जरा ऑटो रोको। हाँ ठीक है जी। क्यों, क्या हुआ? मैं बीच में बैठ जाती हूँ, तो यहाँ पर बैठ जा। नहीं नहीं, अभी वही बैठ तू। देख, मार खाएगी, चला जा। अगर तुम्हें किसी ने कहा कि तुम ग्रेट हो, इम्पोर्टेंट हो, तो उनके लिए तुम अपना डिसीजन चेंज करती हो। हाँ भैया चलिए। ठीक है जी। ए,
किधर है तुम्हारा हीरो? कितने का बैट? 200 250 300 350 भाई अपने पास 350 नहीं है। 400 500 600 700 ओके ओके डन 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 कैश। ए मेरे पास 350 है, बचावा कहाँ से लाएंगे? ए, 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 ये मेरी गोल्ड रिंग है यार। ए टेंशन मत ले, गेम अपन लोग ही जीतेंगे और वो लोग हारेंगे। पैसे अपने पास ही आएंगे और देंगे ये लोग। पीछे चल, अब तू जा। वरुण इस बार तू ही जा यार, जल्दी जा ना। वरुण कहाँ गया यार? वो देख तेरा वाला आ गया। तो वो तेरे लिए ही आता है ना, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आती हूँ, तू चुप बैठ। हाय। वो तुझे ही हाय कह रहा है। वेस्ट फॉलो, तुम्हें वेस्ट फॉलो कह रही है? अरे मुझे मेरे बारे में ही कुछ नहीं पता, उसे ही कुछ कहने के लिए कहो प्लीज। उसे रोने को कहो। ये रोने को कह रही है? 2 साल से तो रुला ही रही है, और कितने साल पीछे पड़ना पड़ेगा? और 20 साल पीछे पड़ो। और 20 साल पीछे पड़ने को कह रही है? और 20 साल? हाँ। उसके बाद उसके पति और बच्चा चुप बैठेगा? देखो तुम दोनों मार खाओगी, हाँ चुप बैठो ना। मैच भी गया और मेरी रिंग भी गई। कितना मारे तो जीतने वाले थे? 4 runs। 6 मारे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिक्स को ही फिक्स किया है। 1 ball प्लीज। वो फिक्स हुआ करता है, टारगेट देखकर डाल ताकि उसकी एकड़ी निकल जाए।
मेरी रिंग। सॉरी यार, वो ऑटो निकल जाती है। ऑटो के चक्कर में पूरा गेम छोड़ के गया। मारो इसे, मारो। हाय मम्मी। मैंने कितनी बार कहा मुझे ऐसा कहकर मत पुकारो। हाय माँ, अभी ओके है ना? हाँ ठीक है। अच्छा आपके पति कहाँ चले गए? मैं चटका लगाऊंगी। डैडी चले गए क्या माँ? हैं। तो फिर मैं जा रहा हूँ भाई। ए रुक, डोसा खा कर जा। लता तू यही बैठ कर खा। ये लीजिए। वो किधर है? वो अंदर है, नाश्ता कर रहा है। कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। कितने साल चले गए हैं? शुरू हो गए। आजकल के बच्चे कितने प्लान्ड रहते हैं। स्कूल में पढ़ते समय ही कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, सब फिक्स कर लेते हैं। किसके एम्स नहीं है? मेरे भी एम्स हैं। एम्स और ड्रीम्स में फर्क है। जो करना चाहते हैं वो ड्रीम्स होता है, उसे पाने की तैयारी एम। लेकिन चाहते क्यों हैं? उसका भी कोई पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं हो तो एम भी नहीं होता। जब भूख लगती है तभी खाने को मन करता है। भूख पर्पस है और खाना खाना एम है। ए चुप हो जा, डोसा खा। कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में कोई कमी नहीं है इसके। क्या जी, आप भी ना। मेरी पूरी जिंदगी दुकान में गुजर गई। आखिर हासिल क्या हुआ? इस बिजनेस से सिर्फ जी सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं। तब से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए, छोटी दुकानों को कोई नहीं पूछता। मेरी तरह दिन भर दुकान का शटर उठाकर किसी ग्राहक के इंतजार करने से अच्छा है कि एसी लगे हुए ऑफिस के केबिन में बैठकर आराम से जिया जाए। कब समझेगा ये पता नहीं। वो जरूर समझेगा, अभी छोटा बच्चा है ये। सबके लिए टाइम होता है जी। टाइम आता नहीं लता, टाइम बीत जाता है। किसका फोन आ गया? हाँ बोल। क्या उखड़ रहा है? पत्ते नोच रहा हूँ। किस पौधे को? मेरे पौधों का। तू भी नोचेगा क्या? ज्यादा हो गया ना, इसीलिए नोच रहा हूँ। अरे यार प्लीज यार, बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय बाय। चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। अरे कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं दिखेगा, आओ ना। अरे कैसे कोई दिखेगा, हम अकेले हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? चलो ना यार। ओहो तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे बजने दो ना। तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आंटी शिवा। अच्छा शिवा, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ ना। फिर से वही। ए अब क्या हुआ? तेरी बाइक चाहिए। अभी नहीं दे सकता। हो सकता है बेटा। नहीं दे सकता बेटा। फिर तो अंकल घर में आ जाएंगे बेटा। अंकल? कौन अंकल बे? अरे वही अंकल जिसके साथ तुम अभी टाइम पास कर रहे हो बेटा। ठीक है आ रहा हूँ, फोन रख, मैं अभी आ रहा हूँ। तुमने मुड़कर देखा? मल्लिका तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे देखा। क्या कहूँ? नहीं नहीं देखा कह रही है। मैंने देखा, उसने मुझे देखा। मैंने उसे नहीं देखा, उसने तुम्हें नहीं देखा है। तो फिर किसको देखा? फिर किसको? उसको। कितनी बार समझाया है, मुझे ऐसे फॉलो करना पसंद नहीं है। इवनिंग तक घर में पहुंच जाऊंगी।
एक सोडा देना। ये कैसी आदत है गुरुजी? हाँ? आपकी एज क्या है और आप कैसा काम कर रहे हो? क्या कहा? ये सब क्या है? वरुण को छोड़कर तुमने उस एज वाले आदमी को कैसे पसंद किया? आप अपने आप को यूथ समझते हो तो अपनी उम्र के किसी यूथ को देख लीजिए। हम जैसे यूथ वालों को क्यों? वो मेरे डैडी हैं। डैडी? क्यों नहीं हो सकता? अरे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, होना भी चाहिए। मतलब हम लोगों ने कभी अंकल को देखा नहीं ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। ये तो रोज का ही है, सुबह छोटा सा झगड़ा हुआ और बिना ब्रेकफास्ट के चली आई इसीलिए। वो उदास होती है तो वो कुछ भी करते हैं अपनी बेटी के लिए। जान है मेरी, मम्मी के जाने के बाद सारा घर वही संभालते हैं। He's everything to me। वो तो ठीक है, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉलो करते हो? नहीं नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं? फिर तो ठीक है। हाँ। अगर कुछ हुआ ना हाँ। काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। याद है ना क्या कहा था? काट देंगे गला। हंसो बे, हंसो, जोर जोर से हंसो। तू भी तो 2 साल से प्रीति के पीछे पड़ा हुआ है ना, तुझे पसंद नहीं करते फिर भी उसके पीछे लगा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है। ए, लड़कियां पसंद नहीं है कहती हैं तो इसका मतलब पसंद है, अगर पसंद है कहती है तो समझो पसंद नहीं है। सच में? हाँ। मतलब आंटी कहती है कि तू मुझे पसंद हो, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती? अबे मैंने लड़कियों के बारे में कहा, आंटियों के बारे में नहीं। उसमें क्या अंतर है? लड़कियां प्यार करके शादी करती है। हाँ। लेकिन आंटियां शादी करके प्यार करती है। ए, तुमने मुझे मुड़कर देखा? प्रीति देखो कौन आया है। दीदी कैसी है तू? हाय सोना, कहाँ आई है तू? कितने दिनों के बाद आई? दीदी मैं लिख कर देती हूँ, मेरे बाद इस गांव में यही ब्यूटी क्वीन होगी। जब तुम यहाँ थी मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करती थी, अकेलापन महसूस करती हूँ, डैडी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब से मम्मी गई है तब से पीना शुरू कर दिया। पिए तो मम्मी लौट आएगी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम चेंज हो गई हो, इससे पहले तुम कितनी एक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करती थी। शादी से पहले जैसे लड़की रहती है, अगर शादी के बाद वैसी ही रहती तो वो बहुत खुश रहती है ना प्रीति। मतलब तुम खुश नहीं हो? अगर दुख और खुशी एक ही है तो मैं बहुत खुश हूँ। क्यों जीजा जी खुश नहीं लगते? लाइफ में रियलिटी के साथ साथ 10% फैंटेसी होनी चाहिए, पैशन और एक्साइटमेंट होना चाहिए। लाइफ में प्यार करने वाला सच्चा मर्द होना चाहिए और उस मर्द को प्यार एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपना सुख दुख अपने पत्नी का सुख दुख शेयर करने को आना चाहिए। जब हम दुखी रहते हैं तो गोद में लेटा कर थपथपाना आना चाहिए प्रीति, बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे दिल को समझने वाला समझाने वाला पति होना चाहिए, उसने हमारी केयर लेनी चाहिए। जब हमें बुखार आए तो डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बाजू में बैठकर दवाइयां देनी चाहिए, बहुत अच्छा महसूस होता है। फिजिकली साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, 4 लोगों के बीच मान सम्मान करना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए प्रीति। ए वरुण बुला रहा है। बेचारा वापस ड्यूटी पे चढ़ गया। बेचारा आज रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना, तुमसे बात करनी है। मुझसे लाइफ टाइम प्यार करोगे ना? कब तक करोगे? 1 सेकंड, 1 हफ्ता या फिर 1 साल? पूरी जिंदगी भर। I love you. लता। हाँ?
मैं दुकान जाकर आता हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ आपको? वरुण! वरुण! क्या हुआ आपको? पापा! क्या हुआ? पापा! वरुण! पापा! वरुण एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर, नथिंग टू वरी, छोटा सा स्ट्रोक था, डेंजर कुछ नहीं है। हे भगवान। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब उन्हें कोई टेंशन मत लीजिए, दोबारा स्ट्रोक आया तो डेंजरस हो सकता है। थैंक यू। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ टर्मिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी, ये इकोनॉमिक्स में बहुत ही मुख्य चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चम्मच शक्कर पहली बार खाओ तो वो बहुत मीठा लगता है, लेकिन उसके बाद ही दूसरा चम्मच शक्कर खाओ तो टेस्ट अलग लगता है। अगर उसके बाद लगातार खाते ही जाओ तो मीठा ज्यादा बढ़ जाता है। प्रीति सर, क्या कर रही हो? मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम मोबाइल में लगी हो। अगर पढ़ना नहीं चाहती तो बाहर जाओ। हाँ, यही 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 रुको, ये लो। क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? फोन किया तो उठा भी नहीं रहा है और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। वो वरुण के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अरे रे रे, क्या हुआ? हार्ट अटैक था, छोटा सा ही था, पर वो ठीक है। वो बात मुझे बताने से उसका क्या जाता? वो ऐसा ही है, किसी को कुछ भी नहीं कहता। मुझे तो बताना चाहिए था ना। इतनी पुरानी दोस्ती है, फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद हमें बताया। वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता। ये चुप करना प्रीति, तुम घर जाओ, वो तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेगा। क्यों रे, इतनी अंगड़ाई क्यों ले रहा है? हारने के लिए इतना ओवरएक्शन करना जरूरी है क्या? बिना मतलब की उंगली मत कर, वरना तुझ में ही वो उंगली घुसेड़ दूंगा। फालतू की बकवास मत कर, खेल कर दिखा। अगर मैं सिंसियरली खेलूं तो मुझसे जीत नहीं पाएगा, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ खेलने में भी शर्माएगा। खेलना किसने मना किया है? लेकिन अभी दांव 700 का नहीं, 7000 का। तुझे डायलॉग मारने का बहुत शौक है ना, तो अपनी बात पे कायम रह। 7000 का दांव? 7000 ही है ना, ये ले रिंग ले, ये 17000 की है। हम जीते तो 7000 और अगर तुम जीते तो 17000। ए वरुण, तेरा फोन अर्जेंट। किसका है? प्रीति का। हाँ बोलो ना। मुझे पुकारा है। अरे अच्छा, तुम्हें देखना है। मैं मैच खेल रहा हूँ। तुम्हें देखना है। अरे मैं मैच खेल रहा हूँ, बोला ना। तुम्हें देखना है। प्रीति ओवर मत करो, टैबलेट खा लो, शाम को मिलते हैं। तुम्हारा आने तक नहीं खाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, शाम को मिलते हैं। पैक में वेट कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो प्रीति। हाय। रुकी ना, एक बार गले तो लगा सकते हो ना। हाँ? क्या कहा? बुखार आया है ना, गले लगा लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? प्यारी सोनू, बुखार आया है तुम्हें? नहीं पता। कम हो जाएगा, मैं स्टैंप लगा देता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत। जब तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। वहां पर मैच निकल गई होगी, लेकिन ठीक है, दोस्त है ना, सह लेंगे। तुम्हें तो बुखार है ना, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम दवा नहीं खाओगी, ऐसा ही कह रही थी ना। लो मैं आ गया, अब तो तुम खुश हो ना। लेकिन उन लोगों ने मेरे भरोसे बेट लगाई थी, हार गए होंगे, लेकिन कोई परवाह नहीं है, फ्रेंड्स है ना,
सह लेंगे। फिर तुम क्यों आए? तुमने तो बुलाया। जरूरत नहीं थी, जब मैं बुलाती तभी तुम आते हो। मैं ही पागल हूँ, सोचा था थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अब छोड़ो। जरूरत नहीं है, अगर तुम वहाँ नहीं रहे तो मैच हार जाएंगे ना। जाओ, जिताओ उन्हें। ऑलरेडी मैच हाथ से निकल गया होगा। मतलब कि प्रीति को हर्ट किया। कल उसका बर्थडे है, उसे खुश कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे प्रीति। क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग का यहाँ क्या काम है? पुलिस से सवाल पूछ रहा है। अरे हमने क्या किया? हम लोग तो जस्ट बातें कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसे बात करता है तू? इज्जत से बात करो। क्यों रे? कैसे इज्जत चाहिए तुझे? ए, ए, पुलिस। नहीं आई हो मार्केट में? किस सेंटर से आई हो? क्या रेट है तुम्हारा? पुलिस है इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ। तो तू क्या करेगा? क्या करेगा बोल? प्लीज सर, छोड़ दीजिए ना, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड है? किस टाइप का फ्रेंड है? ए, घर में पता नहीं चले इसके साथ मस्ती करती है, हो सकता है रोना नहीं है। तेरे बाप का नाम क्या है? वो भी धंधा चलाता है क्या? तेरे बाप ने तुझे इसके साथ कितने में भेजा है? वरुण, इसे मत बढ़ाओ प्लीज सर, छोड़ दीजिए हमें, हम चले जाएंगे सर। छोड़ मत, पकड़ ले, चल। तुझे इसके सामने मर्दानगी साबित करने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे सामने साबित करने के लिए 3 साल लगेंगे। 3 मिनट काफी हो गए, मैं मर्द हूँ और तुम हिचड़े हो ये साबित करने के लिए। अंकल, हाय। अंदर चल। ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो याद रखना, तुम मेरी बेटी हो ये भी भूल जाऊंगा। दीदी। हाँ बोलो। आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अपने बेटे के साथ मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है। हेलो प्रीति, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। क्या हुआ?
पापा ने एक रिश्तेदार के साथ मेरी शादी तय कर दी है वरुण, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ ना कुछ करेंगे। उतना वक्त नहीं है, तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? कहीं भाग चलते हैं वरुण। प्रीति देखो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी वरुण। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। हाँ प्रीति। बस नंबर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुझे मार डालूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी बेटी को कुछ हुआ तो आप मुझे नहीं, मैं आपको मार डालूंगा। उस समय मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखा था। उसका वो तेवर देखकर मेरी बेटी का क्या होगा ये डर मेरे मन में समा गया। ये जो कह रहा शायद ही सच है, मैंने जो सोचा शायद वो गलत था। मैंने छानबीन की। ए, निकल। प्रीति कहाँ है? माँ, प्रीति को क्या हुआ? जो हो गया सो हो गया, अब तू घर चल। प्रीति को क्या हुआ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू घर चल। प्रीति कहाँ है? प्रीति को क्या हुआ? सुधाकर, इसे घर लेके जाओ। ए! प्रीति कहाँ है? मुझे पता है, ये सारा ड्रामा आपका ही है। क्या किया प्रीति के साथ? क्या किया प्रीति के साथ? क्या हुआ? भाग गई वो, हम दोनों को बिना बताए भाग गई। तुम्हारे दोस्त श्रीधर के साथ भाग गई। 18 साल पाला है मैंने उसे, और तूने 18 महीने तक प्यार किया है उससे, फिर भी हम दोनों को धोखा देकर भाग गई हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। एक प्रेमी की तरह तूने अपने प्यार की हिफाजत की, और एक पिता की तरह मैंने उस पर विश्वास किया। क्या हुआ, भाग गई? पहली बार जिंदगी में मुझे इतनी तकलीफ हुई है। बताओ उसको। हाँ यार, श्रीधर ने हम लोगों को धोखा दिया। बहुत अच्छी प्लानिंग करके वर्कआउट कर गया। वो किसी के साथ भी अपनी बात शेयर नहीं करता। अरे जो अपने दिल की बात शेयर नहीं करता, वो रिलेशनशिप की वैल्यू क्या समझेगा? ए, अगर तुझसे थोड़ी गलती हुई तो उसने उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा। कौन सा मैच तुमसे बढ़कर है क्या? क्यों, तुम्हें फॉलो करते समय उसने कितना मैच छोड़ा होगा? फिर भी तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड हो तो मैच तो क्या, एग्जाम भी छोड़ सकते हैं। अरे प्रॉब्लम भी उसने ही क्रिएट किया और सॉल्व भी उसने ही किया। तेरा प्लान क्या है भाई? बड़ा खुश नजर आ रहा है। हेलो राव जी, 15 मिनट में आप काउंटर चौक के पास पहुँचे तो आप हमारे दोस्त के साथ प्रीति को देख सकते हैं। जब घर में शादी सेटल की तो उसने सोचने का वक्त ही नहीं दिया यार। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है वरुण। तुमने देखा ना वरुण को पुलिस के साथ कैसे उलझ रहा था? जिंदगी भर कैसे झेलोगी पता नहीं। श्रीधर, तुम मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम उससे प्यार करते हो ना? अभी से नहीं, बहुत पहले से। जो प्यार मैं वरुण से चाहती थी वो उससे नहीं मिलेगा, ये मैं समझ चुकी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम?
मैं तुम्हें अपने दिल में नहीं अपनी पलकों में छुपा के रखूंगा प्रीति। तो फिर तुम मुझे कहीं और ले चलो। फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करो। क्या करूँ? वरुण को फोन। ऐसे आदमी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। वो कहीं भी रहे उसे ढूंढ कर भगा कर मारना चाहिए। मैं कहता हूँ मार डालो उसे। दोस्त ने चीट किया इसका गम नहीं है, लेकिन प्रीति ने मुझसे चीट किया। ऐसा लग रहा है मेरी जान निकली जा रही। कितना प्यार किया मैंने उससे, मुझसे चीट करने का उसके दिल में ख्याल भी कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। डैडी की हालत ठीक नहीं यार। इधर मेरी हालत भी ठीक नहीं है। तुझे तुझे डैडी को देखने जाना चाहिए यार। मुझे भी प्रीति को देखना है। हे, अगर तूने अभी डैडी को नहीं देखा तो बाद में कभी नहीं देख पाएगा। हाँ यार, मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे यार, चल मेरे साथ, चल 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 मेरे साथ। से बात नहीं के कभी नहीं कर पाऊंगा, यही सोचकर डर लगता है मुझे बेटा। मुझे ऐसा लगता है तेरी माँ सोचती होगी कि मैं तुमसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं कर पाया बेटा। बेकार आदमी हूं मैं, बेकार आदमी। लेकिन बेटा, इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। जीतने वाले को हार की कीमत पता नहीं होती और हारने वाले को जीत की कीमत। जो संघर्ष करता है उसे ही इनकी कीमत पता होती है बेटा। हारने के बाद जब जीत मिलती है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन हार के सामने जीत जीत ही होती है, जीत ही होती है बेटा।
माँ। शॉप जाकर आता हूँ। पापा कहते थे हर व्यक्ति का लाइफ का अपना एक एम होना चाहिए। मैं अपने पापा से कहता था हर एम के पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। पापा तो चले गए, अब मेरी लाइफ का ना कोई एम है और ना ही एम का कोई पर्पस, कुछ भी नहीं जान पाया। इधर इधर नजर आया। तूने क्यों किया? प्रीति के लिए किया, प्रीति के लिए ही किया। जितना तू प्रीति से प्यार करता है उतना ही मैं भी प्यार करता हूं। तू हिम्मती है तो तूने एक्सप्रेस कर दिया। मैं डरपोक नहीं कर पाया। वो बार बार कहती थी तुम पसंद नहीं हो, तुम पसंद नहीं हो। मैं बहुत खुश होता था और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा, कभी तो मैं अपने प्यार के बारे में उससे बता पाऊंगा। लेकिन जिस दिन उसने पीछे देखकर तुम्हें ऑटो से लेटर दिया था और तुम्हें आई लव यू कहा था, उसी दिन से, उसी पल से मेरे चारों ओर तूफान सा उठने लगा था। सोचा प्यार करके त्याग करने से अच्छा है कि उसे ही बर्बाद करके अपने प्यार को हासिल कर लूं। तब से जब भी तुम लोग आपस में मिलते और तुम दोनों में जो भी डिफरेंसेस आता था तो मैंने सोचा कि प्रीति के लिए तुमसे बेहतर तो मैं ही हूं। और लकीली जैसा सोचा था प्रीति को भी ऐसा ही लगा। तुझे अपनी फ्रेंडशिप याद नहीं आई? कुछ भी याद नहीं आया, कोई याद नहीं आया, सिर्फ मेरी प्रीति, मेरा प्यार। ये कब से अपनी कहानी सुना रहा और तू पागलों जैसे सुने जा रहा है? डाल दे यार इसको। उसे मारने की सोच रहे हो तो उससे पहले मुझे मार डालो। Yes, अगर हमने कोई गलती की है तो वो मेरी है। मतलब तुम्हें अभी भी कुछ गलत नहीं लग रहा है?
कभी नहीं लगेगा। तुम इतनी बदल कैसे गई प्रीति? मैंने क्या गलती की थी? तुम्हें नहीं पता, तुमसे आई लव यू कहने से पहले तुम मुझसे लाइफ लॉन्ग प्यार करोगी या नहीं पूछा था ना मैंने। तुमने सोचा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? करते हो ऐसा सोचा था। पहले मैं तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी, तुम मेरे लिए कुछ भी करते थे, सब कुछ छोड़ देते थे। लेकिन जब मैंने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई। जब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। जब मुझे बुखार आया तुम्हारे साथ वक्त बिताने का सोचा तो मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने अपनी मर्दानगी दिखाई तुमने, लेकिन उस वक्त मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन श्रीधर ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ शेयरिंग, केयरिंग, सिक्योरिटी, मुझे हर चीज दी और हमेशा देता रहेगा, ये वादा भी किया है। ठीक है ना? वन सेकंड। अब पियो। अच्छी। लगता है तुम्हें सर्दी हो गई, ये टैबलेट ले लो। उसने दोस्तों को धोखा दिया तो क्या तुम्हें धोखा नहीं देगा? नहीं, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को धोखा मेरे प्यार के लिए दिया, मुझे पाने के लिए ऐसा किया। इसकी खिसक गई है, बकवास कर रही है, इसे ही मार डालो वही सही रहेगा। ए, तू रुक जा। क्या कहा? मैं बदल गया हूं। यस यू आर राइट, बस एक छोटा सा करेक्शन है, मैं बदला नहीं, भूल गया था। 2 साल से पागल कुत्ते की तरह मैं तुम्हारे पीछे भागा, रीसेट करके वापस याद किया तो तुम्हारी मेंटेलिटी को ही मैं भूल गया था। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम ही मेरे लिए ग्रेट हो, तो तुम उसके लिए अपना डिसीजन चेंज कर देती हो। इतनी छोटी सी बात मैं भूल गया था। जो कोई भी तुम्हारी बढ़ाई करेगा तो तुम तो उसे अपनी दोनों आंखें मूंद के पसंद कर लोगी, यकीन नहीं होता। गलती मेरी है। ए वरुण, ये क्या बोल रहा है यार तू? करेक्ट ही तो बोल रहा हूं। सी शी इज हैप्पी, इसे देखो, जरा सा भी दुख नजर नहीं आ रहा है। छोड़ो यार। अब इसका क्या करें? मुझे जीना है तो प्रीति को खुश रहना होगा। प्रीति को खुश रखने के लिए इसे जिंदा रहना होगा। ये फ्रेंडशिप में लगा हुआ दाग है, छोड़ो यार, अपना रिश्ता मत बिगाड़ो। उसे क्यों छोड़ दिया यार? तेरी जगह मैं होता तो मार देता उसे। अरे यार, लड़कियां धोखा देती हैं, अगर ये सोचकर उन्हें मारना सही है तो 6 महीने या 7 महीनों में एक एसिड अटैक नहीं बल्कि दिन में हजारों एसिड अटैक हो जाते हैं। प्रियतमा, तेरा प्यार आबाद रहे और तू खुश रहे, ऐसा फील करने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में मिलेंगे, इसलिए तो सभी लोग खुश हैं यार। चलो चलते हैं। जब लड़की जवान होती है उसके साथ कुछ होना चाहिए डर लगा रहता है, लेकिन अब वो क्या कर लेगी ये सोचकर डरते रहते हैं। हाई स्कूल से ही कहानी शुरू हो जाती है। और जब लड़कियां कॉलेज जाना शुरू करती हैं तो उनका पैर कब फिसल जाएगा कुछ भी पता नहीं होता। आपकी बहन बेटी कब किस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है कुछ भी पता नहीं चलता। अरे यहां तक कि वो गर्लफ्रेंड जो आपके सीने से लगी रहती है वो कब चुपचाप किसी और को SMS करती रहती है कुछ भी पता नहीं चलता। अरे कोई क्या करे, कहां तक नजर रखे, कहां तक रखे। अरे डर डर लगता है दिन रात हमें। बेटी का बाप होने के नाते हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, बिल्कुल नहीं। सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज की ज्यादा से ज्यादा लड़कियां उसी रास्ते पर चल रही हैं, कोई पहचान नहीं है उनकी। मैंने उसे माफ कर दिया था, उसने मुझे जो बात बताई मैं उसे कन्विंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रीति कह रही है ये सोचकर कन्विंस हो गया। मेरी बेटी कितनी खुश है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो उससे शादी करती तो 100% खुश रहती, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। वो तुम्हें पूरी तरह से केयरिंग, शेयरिंग, सिक्योरिटी देना चाहता था, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, शक किया उस पर, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बाकी तुम्हारी मर्जी है।
लाइफ में कुछ बातें भूलनी नहीं चाहिए और कुछ बातों को याद भी नहीं रखना चाहिए। प्रीति को भूल जाओ और मुझे याद रखो। अमेरिका जाना कैंसिल, जॉब भी कैंसिल, तुम, मैं, सासू माँ और हमारी गारमेंट की शॉप, बस उतना ही। तुम अमेरिका चली जाओ। नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, चली जाओ। मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कन्विंस हो गई। जरूरत नहीं। देखो, मार खाओगे। तुम्हारे बिहेवियर को लेकर मुझे जरा भी शक नहीं है। 100% क्लैरिटी के साथ कह रही हूँ। आई लव यू। कुछ भी हो, लड़कियां ग्रेट हैं बॉस। अगर अपने लाइफ में लव स्टोरी रहे तो भी वो अपने से प्यार करती हैं, लेकिन अगर वही गर्लफ्रेंड की कोई लव स्टोरी हो तो क्या हम उनसे प्यार करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए लड़कियां ग्रेट होती हैं बॉस।